बच्चों, आज हम सीखेंगे 3D स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां बनाना। सबसे पहले ऐसे ज़िगज़ैग लाइंस ड्रॉ करें। अब बारी है इल्यूजन यानी मैजिक ऐड करने की। इल्यूजन से हमारी सीढ़ी एकदम असली दिखेगी। लाइंस को थोड़ा मोटा बनाएंगे ताकि सीढ़ी थोड़ी और मजबूत हो जाए। ताड़ा! ये बन गई हमारी 3D सीढ़ी। चलो करें पेंटिंग। शुरू करेंगे स्पार्कलिंग ग्रीन के साथ। और आगे बढ़ेंगे चमकदार रेड के साथ। ये हुई ना बात। 1 + 1 होता है 2। अब हम भरेंगे कलर ब्लू। पिंक कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। उसके नीचे येलो कैसा लगेगा दोस्तों? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब कौन सा कलर लिया जाए दोस्तों? ब्लू। येलो के साथ ब्लू बहुत खिलेगा। कलर लिया हमने एकदम राइट। ग्रीन से हो गई सीढ़ियां ब्राइट। चलो थोड़ा सा कलर करें चेंज। अब हम लेंगे ऑरेंज। ऑरेंज के बाद अब बारी है स्पार्कलिंग रेड की। प्रिटी प्रिटी। चलो आगे बढ़ें और इसमें चमकदार येलो कलर भरें। में भरेंगे पर्पल कलर एक बार। तो दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ने के लिए हो जाओ तैयार। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हम ड्रॉ करेंगे एक स्पार्कलिंग पॉपिट यूनिकॉर्न। शुरू करेंगे यूनिकॉर्न के आउटलाइन से। आपको पता है यूनिकॉर्न की खासियत होती है उसकी एक सींग। अब बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। याद रहे, लाइंस के बीच के गैप्स इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही। अब इन स्ट्राइप्स में सर्कल्स ड्रॉ करो। आपको पॉपिट के साथ खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब
बॉर्डर को थोड़ा और थिक करो और पेंटिंग के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले फिल करेंगे स्पार्कलिंग रेड कलर। ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे और दूसरी स्ट्रिप में भी शाइनी रेड कलर भरेंगे। बहुत बढ़िया। अब बारी है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज भर दिया हमने सारा, यूनिकॉर्न दिखेगा कितना प्यारा। इसके बाद हम फिल करेंगे येलो कलर। येलो से हमारा यूनिकॉर्न कितना सुंदर लग रहा है ना? अगले स्ट्रिप में भरो ग्रीन। देखो, हो गया ना यूनिकॉर्न कितना रंगीन। और इसके बाद हमारा फेवरेट कलर स्काई ब्लू। और ब्लू कलर के लिए क्या कहोगे? वूहू! अब बचे हुए हिस्से में फिल करो स्पार्कलिंग पर्पल कलर। ये हो गया हमारा पॉपिट यूनिकॉर्न तैयार। और तड़ा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये चमकीली चीज क्या है? ये है एक रूबिक्स क्यूब। तो चलो मिलकर इसे ड्रॉ करें। शुरू करें उसकी आउटलाइन से और बनाएं एक हेक्सागन जैसा शेप। अब इसमें ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे स्क्वायर्स। पहली लाइन में बनाएंगे 3 स्क्वायर्स, फिर दूसरी लाइन में भी 3 स्क्वायर्स,
और इस तरह से एक साइड पे हम बनाएंगे टोटल 9 स्क्वायर्स। अब यही रिपीट करेंगे बाकी के साइड्स पर। दोस्तों याद रहे ये स्क्वायर सेम साइज के हो, वरना आपका रूबिक्स क्यूब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब बॉर्डर को थोड़ा डार्क करते हैं और गैप्स में भी ब्लैक कलर फिल करते हैं। इससे हमारे क्यूब को मिलेगा एक मैजिकल इल्यूशन। ब्लिंग ब्लिंग। चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। क्यूब के होते हैं 6 साइड्स, इसलिए इसमें हम भरेंगे सिर्फ 6 कलर्स। ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। लग रहा है ना हमारा क्यूब स्पार्कलिंग ब्राइट। रेड, ग्रीन और येलो। क्यूब को और रंगीन बना लो। क्या बात है। रंग होते हैं कितने प्यारे, हमने भर दिए इनमें सारे। ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू बन गया हमारा रूबिक्स क्यूब। फिर मिलेंगे, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिकी आर्ट हिंदी।